दोस्तों, यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्यता और वीटो पावर के बाद भारत ने अपनी पहली बैठक में ही यूनाइटेड नेशन के इतिहास का सबसे बड़ा फैसला कर दिया है। भारत ने वह कर दिखाया है जो यूनाइटेड नेशन में बड़े लंबे अरसे से मांग चल रही थी, और इस खबर के सामने आने के साथ ही चीन सहित दुनिया के कई देशों को बड़ा झटका लग चुका है। वही चीन जो अब तक भारत के यूनाइटेड नेशन में वीटो पावर को लेकर के रोड़ा बनता आ रहा था, उसे भारत ने एक ही झटके में धूल चटा दी है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने यूनाइटेड नेशन में भाषण के वक्त और साथ ही साथ जब वह अपनी शपथ ग्रहण कर रहे थे, उन्होंने तभी यूनाइटेड नेशन में दुनिया के तमाम देशों को बड़ा संदेश दिया था। उन्होंने पहले ही कहा था कि यूनाइटेड नेशन में अब एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है और भारत वह बदलाव जल्द ही करने जा रहा है। स्थायी सदस्यता और अपनी शपथ ग्रहण के बाद भारत बता दें कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में स्थायी सदस्य के बाद यह पहली बैठक है जिसे भारत खुद होस्ट कर रहा है, और भारत ने अपने इस होस्ट करने के साथ ही दुनिया के कई देशों के ऊपर ऐसे प्रतिबंध लगाए हैं जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। अमेरिका को भी यही यकीन नहीं हो रहा है कि भारत यूनाइटेड नेशन में पहले बार में ही इतना बड़ा बदलाव कर देगा। भारत यूनाइटेड नेशन की वीटो पावर को लेकर के इतना बड़ा बदलाव करेगा, ये दुनिया का कोई भी देश सोच नहीं पा रहा था। अब तक यूनाइटेड नेशन में सिर्फ 5 देश जिनके पास वीटो पावर थी उनका सत्ता चलती थी, और यहां माना जाता था कि अगर कोई एक देश भी वीटो पावर को यूज कर लेता था तो पूरी दुनिया के लिए आया गया, कोई भी बिल यूनाइटेड नेशन में पास नहीं हो सकता था। और इसी वजह से भारत ने इस पर कड़ा एक्शन ले लिया है, और इस कड़ा एक्शन को लेने के साथ ही चीन अब यूनाइटेड नेशन में वीटो पावर की शक्ति से बाहर हो चुका है। जी हां, यह बहुत बड़ी खबर है, चीन के लिए एक बहुत बड़ा झटका भारत की तरफ से। भारत ने यूनाइटेड नेशन में कदम रखने के साथ ही चीन से अपना कई दशकों पुराना व बदला ले लिया है, जिसमें चीन भारत के ऊपर हर बार वीटो लगा करके भारत के स्थायी सदस्यता के लिए रोड़ा बन रहा था, लेकिन अब वह चीन घुटनों पर आ चुका है। भारत के सामने गिड़गिड़ाने की नौबत चीन की आ चुकी है, तो वहीं दुनिया के कई मुस्लिम देशों को भी भारत ने यूनाइटेड नेशन के मंच से एक बड़ा संदेश भी दे दिया है। साथ ही साथ पाकिस्तान को लेकर के भारत ने एक बहुत अहम फैसला भी यूनाइटेड नेशन में ले लिया है, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से आए डेलीगेट्स को भारत ने बुरी तरह से लताड़ दिया है। क्या है इस वक्त पूरी खबर? भारत ने यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्यता के साथ ही आखिर इतना बड़ा स्टेप कैसे लिया, और क्या भारत को दुनिया के कितने देशों का समर्थन इस चेंजेस में मिल चुका है, उसे सुनने के बाद भी आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि भारत को यही नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशन के इतिहास में दुनिया के किसी भी देश को इतना बड़ा समर्थन आज तक नहीं मिला था। क्या है इस वक्त पूरी खबर? क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है? किस तरह से भारत ने यूनाइटेड नेशन में अपनी पहली ही होस्ट में एक ऐसा फैसला ले लिया है जिससे चीन यूनाइटेड नेशन की वीटो पावर से दरकिनार हो चुका है, और अब चीन की वैल्यू एक सामान्य देश से भी गैर गुजरी होने जा रही है? बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो चैनल पर बने रहे, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए महज कुछ एक सेकंड का काम होगा, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। साथ साथ इससे हमारा हौसला भी बढ़ता है, और यह बात भी स्पष्ट होती है कि हम भारत की वीटो पावर को लेकर के कितना उत्साहित है। साथ ही साथ भारत की वीटो पावर के मिलने के साथ ही भारत का कद अब पूरी दुनिया के सामने क्या हो चुका है, यह भी हम जान चाहेंगे। दोस्तों, उसके लिए चैनल पर बने रहे, और हाँ, अभी तक अगर आपने कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत नहीं लिखा है तो एक सच्चे भारतीय की तरह पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिए, क्योंकि इसमें नेगेटिव कमेंट बढ़ने वालों के भी अभी कमी नहीं है। पाकिस्तान और बांग्लादेश से कई सारी कमेंट ऐसी आने वाली हैं जिन्हें देखने के बाद आपको भी समझ आ जाएगा कि आखिर लोगों की मानसिकता अभी भी भारत के लिए क्या है। लेकिन बता दें कि भारत ने जब से अमेरिका की धरती पर कदम रखा था, पूरी दुनिया तिल मिला चुकी थी। वजह साफ थी कि यूनाइटेड नेशन में भारत को लेकर के जो बात सामने आई थी, उसके बाद से यह स्पष्ट हो चुका था कि भारत को यूनाइटेड नेशन का अब अध्यक्ष और सदस्य
दोनों बनने से कोई नहीं रो सकता है। जी हाँ, अब आपको जो खबर सुनने जा रहे हैं उसे सुनने के बाद अब आप और भी खुश होने जा रहे हैं, क्योंकि बता दें कि यूनाइटेड नेशन में अब तक भारत सिर्फ वीटो पावर और स्थायी सदस्यता को लेकर के लड़ रहा था, लेकिन वीटो पावर और स्थायी सदस्यता के मिलने के साथ ही भारत को यूनाइटेड नेशन की अध्यक्षता भी सौंप दी गई है। और भारत ने आज पहली बार ऐसा हुआ है जब अपनी स्थायी सदस्यता मिलने के साथ ही यूनाइटेड नेशन को पहली बार भारत ने होस्ट किया है। इससे पहले पीएम मोदी ने अपने भाषण में सीधे तौर पर यह कहा था, दुनिया के कई देशों को निशाना साधते हुए कहा था कि भारत और यूनाइटेड नेशन का पूरा मंच किसी एक देश के खिलाफ नहीं है, किसी एक मानसिकता के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह वह मंच है जो कि पूरी दुनिया को समग्र विकास के लिए और साथ ही साथ पूरी दुनिया को एक साथ लेकर चलने के लिए है। लेकिन भारत ने वहीं उसी समय चीन और पाकिस्तान को अपनी आंखें भी पेनी करके दिखाई थी। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने यह साफ कहा था कि आतंकवाद के लिए पूरी दुनिया में कोई जगह नहीं है, और अगर वास्तव में कोई देश इसका पनाहगार बनता है तो उसे यूनाइटेड नेशन की अब पावर का अंदाजा अब तक नहीं रहा होगा, लेकिन अब भारत बन चुका है और इसका अंदाजा अब उन देशों को जल्द लगने वाला है। यह एक नसीहत और एक वार्निंग के तौर पर देखा जा रहा था। यह बात अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन भी बैठ करके सुन रहे थे, उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि भारत इतने तरीके से पूरी दुनिया को एक बार में ही अपने आड़े हाथ ले लेगा। हालांकि इस खबर के इस बात के होने के साथ ही चीन पूरी तरह से बौखला चुका था। भारत के यूनाइटेड नेशन में अपना परचम लहराने के साथ ही मोदी मोदी के नारे गूंजने के साथ ही चीन को यह आभास तो बेहतर हो गया था कि भारत की ताकत अब इतनी बढ़ चुकी है कि बस उसके आगे कुछ नहीं है। हालांकि चीन ने इसके बावजूद कई उल्टे सीधे स्टेटमेंट जारी किए। चीन ने भारत को तानाशाह बोला, जबकि चीन तानाशाह खुद है, और भारत के जैसा डेमोक्रेटिक देश पूरी दुनिया में ढूंढने पर भी शायद मिलेगा, और अगर मिलेगा भी तो वह दुनिया के सबसे बड़े देशों में तो बिल्कुल भी शुमार नहीं होने वाला है। और जिस तरह से भारत ने अपनी ताकत को पूरी दुनिया के सामने बीते एक हफ्तों के अंदर रखा है, उसके बाद पूरी दुनिया भारत का लोहा मान चुकी है। दोस्तों, भारत से कभी भारत को नीच दृष्टि से देखने वाले यूरोपियन देश, यहां तक कि फ्रांस, जर्मनी, इटली जैसे देश जो अब तक भारत के साथ अपने संबंधों को सिर्फ बाहरी बेहतर करने की बात करते थे, अब वह फ्रांस भी भारत के साथ ताल से ताल मिलाने के और साथ साथ भारत के साथ खुद व्यापार करने के लिए बेहद उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने खुद कहा है कि हम चाहते हैं कि भारत का यूपीआई हमारे देश में आए,